दोस्तों आज भारत और पाकिस्तान की टीम के बीच T20 वर्ल्ड कप का काफी बड़ा मुकाबला खेला जा रहा है और इस मैच में भारतीय टीम ने पाकिस्तान की लंका खड़ी कर रख दी है। जहां इस मैच में कप्तान रोहित ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया था और जब पाकिस्तान की टीम पारी की शुरुआत करने उतरी तो इस मैच में उनकी शुरुआत बेहद ही खराब रही थी, क्योंकि जब दूसरा ओवर अर्शदीप डालने आए तो उन्होंने पहली ही गेंद पर कप्तान बाबर आजम को आउट कर दिया था और बाबर आजम पहली गेंद पर ही आउट हो गए थे बिना खाता खोले। जहां अर्शदीप सिंह का ये पहला वर्ल्ड कप था और उन्होंने पहली ही गेंद पर विकेट लेकर इतिहास रचा है, तो वहीं इसके बाद जब अर्शदीप सिंह अपना दूसरा ओवर करने आए तो अपने दूसरे ओवर में मोहम्मद रिजवान को आउट कर दिया था और रिजवान 12 गेंदों में केवल 4 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां पाकिस्तान के दोनों ओपनर बल्लेबाज केवल 15 रन के स्कोर पर ही पवेलियन लौट चुके थे और इस मैच में अर्शदीप सिंह काफी घातक गेंदबाजी कर रहे थे और भारतीय टीम के सभी गेंदबाज इस मैच में अपनी धारदार गेंदबाजी से पाकिस्तान के बल्लेबाजों को एकदम खामोश रखे हुए थे। जहां 10 ओवर होने के बाद पाकिस्तान का स्कोर जैसे तैसे 60 रन तक पहुंच गया था, लेकिन जब इसके बाद भारतीय टीम की तरफ से स्पिनर गेंदबाज गेंदबाजी करने उतरे तो उनके ऊपर इफ्तिकार अहमद ने अपना हमला बोल दिया और एक के बाद एक 4 छक्के जड़कर केवल 32 गेंदों में अपने 50 रन पूरे कर लिए थे और एकदम से पाकिस्तान की पारी को पूरी तरह आगे बढ़ा दिया था। लेकिन तभी 91 रन के स्कोर पर मोहम्मद शमी ने इफ्तिकार अहमद को आउट करके इस मैच में भारतीय टीम की जबरदस्त वापसी कराई और इफ्तिकार अहमद 34 गेंदों में 51 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद हार्दिक पांड्या ने अगले ही ओवर में यानी 14वें ओवर में पाकिस्तान की टीम को बैक टू बैक 2 बड़े झटके देकर सद्दाब खान और हैदर अली को आउट कर दिया था। जहां इसके बाद पाकिस्तान की टीम ने 15वें ओवर में अपना स्कोर 100 रन के पार पहुंचा लिया था 5 विकेट के नुकसान पर, लेकिन इसके बाद 115 रन के स्कोर पर हार्दिक पांड्या ने मोहम्मद नवाज को भी आउट कर दिया था और नवाज 9 रन बनाकर आउट हुए थे। तो इसके बाद अगले ही ओवर में हर्षदीप सिंह ने आसिफ अली को आउट कर दिया और आसिफ अली केवल 2 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां एक तरफ पाकिस्तान की तरफ से शाह महबूब शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने इसके बाद 40 गेंदों का सामना करने के बाद अपने 50 रन पूरे कर डाले थे। जहां इसके बाद आखिरी ओवर भुवनेश्वर कुमार डालने आए और भुवनेश्वर कुमार ने आखिरी ओवर की दूसरी गेंद पर शाहीन अफरीदी को आउट कर दिया था और अफरीदी 8 गेंदों में 16 रन बनाकर आउट हुए थे और इसके बाद पाकिस्तान की टीम ने पूरे 20 ओवर खेलने के बाद 159 रन बनाए हैं 8 विकेट के नुकसान पर। जहां पाकिस्तान की तरफ से शाह महबूद 42 गेंदों में 52 रन बनाकर नॉट आउट रहे, तो वही हरीश सरूफी 6 रन बनाकर नॉट आउट रहे हैं। तो वही इस मैच में भारतीय टीम की तरफ से अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या को 3-3 विकेट हाथ लगी है, तो वहीं भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी ने भी 1-1 विकेट झटका है। तो वहीं अब भारतीय टीम को ये बड़ा मुकाबला जीतने के लिए 160 रन बनाने हैं। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि भारतीय टीम पाकिस्तान को धूल चटाए तो आप इस वीडियो को एक लाइक करें।